तो दोस्तों रेस आईएएस एकेडमी रांची ने जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के बारे में जो अत्यधिक महत्वपूर्ण जानकारी है उसे उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रभात रंजन आज पुनः आपके समक्ष एक नई शख्सियत को लेकर उपस्थित हूं और उस शख्सियत का नाम है सुचेता कृपलानी। तो सुचेता कृपलानी के बारे में सबसे पहले हम यह जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था और यह राजनीति में किस रूप से यहां आई। यह उस समय में राजनीति में आई और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग ली जब महिलाओं को घर से निकलना दुभर था, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि वर्तमान में जो राजनीतिक स्थिति है उसमें महिलाओं को आजादी के बाद ही जब हमारा संविधान निर्मित किया गया तो उसमें वोट देने का राइट दिया गया, उनमें उन्हें महिलाओं को अपने वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन आज भी राजनीति के क्षेत्र में उनका जो उपस्थिति है वह काफी कम है। आज भी हमारे वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसमें कैबिनेट में लगभग 11-12 महिलाएं ही मंत्री हैं। तो सोच सकते हैं कि जब 19वीं शताब्दी का अंत हो रहा था और 20वीं शताब्दी का आरंभ हो रहा था उस समय महिलाओं की क्या स्थिति राजनीति के क्षेत्र में रही होगी, लेकिन उस समय कुछ महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के राजनीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्होंने उस समय के स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। तो सुचेता कृपलानी का जन्म 25 जून 1908 को अंबाला शहर में हुआ था जो वर्तमान में हरियाणा में है, और इनके पिता का नाम एसएन मजुमदार था, यह बंगाली ब्राह्मण फैमिली से आती थी और पिता ब्रिटिश सेवा में एक चिकित्सा पदाधिकारी थे, एक महत्वपूर्ण पद पर थे और उनका कई शहरों में तबादला होता रहता था। तो इसी क्रम में इनका जन्म अंबाला शहर में हुआ और इनकी शिक्षा दीक्षा की अच्छी व्यवस्था की गई, पढ़ने लिखने में काफी कुशाग्र थी और एक महत्वपूर्ण शख्सियत की धनी थी। फिर जब स्कूली शिक्षा अंबाला से इन्होंने प्राप्त किया तो उच्च शिक्षा के लिए पहले लाहौर गई और उसके बाद फिर दिल्ली पहुंची और दिल्ली में इन्होंने इंद्रप्रस्थ कॉलेज और सेंट स्टीफन जैसे उस समय के विख्यात कॉलेजों से शिक्षा ग्रहण की। यहां से शिक्षा ग्रहण करने के बाद आगे चल करके यह इतिहास के प्रोफेसर बन गई और BHU में इन्होंने इतिहास के प्रोफेसर के पद से अपना सफर शुरू किया और आगे चल करके धीरे धीरे फिर इनका झुकाव राजनीति की तरफ हुआ। इसी क्रम में इनका जुड़ाव जो है वह उस समय के महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेता जेबी कृपलानी से हुआ। जेबी कृपलानी उस समय के महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं में थे और यह महात्मा गांधी के दाएं हाथ, महात्मा गांधी के काफी महत्वपूर्ण सहयोगी थे। जब हमारे यहां असहयोग आंदोलन और असहयोग आंदोलन के 8 वर्ष के बाद लगभग सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो उन आंदोलनों में महिलाओं ने काफी बढ़ चढ़ करके भाग लिया, तो उस आंदोलन में सुचिता कृपलानी उतना सक्रिय नहीं रही, लेकिन जेबी कृपलानी से उन्हीं आंदोलनों के दौरान कई जगहों पर इनका मुलाकात हुआ और धीरे धीरे इनका संपर्क बढ़ता चला गया। आगे चलकर के दोनों ने विवाह करने का निर्णय लिया जिसका काफी ज्यादा समाज में विरोध हुआ, इनके घर परिवार वालों ने और यहां तक कि महात्मा गांधी ने भी विरोध किया। सुचिता कृपलानी जो बाद में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी सुचेता अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी, उसमें उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी ने हमारे विवाह का इसलिए विरोध किया था कि वह यह नहीं चाहते थे कि हमारा जो दायां हाथ है जेबी कृपलानी के रूप में वह धीरे धीरे राजनीति से जो है विमुख हो जाए और गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाए और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद राजनीति छोड़ दे, यह उन्हें भय था क्योंकि उनका अमूल्य सहयोग गांधी जी को प्राप्त होता रहता था जो भी उस समय आंदोलन हो रहे थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि शुरुआत में जेबी कृपलानी मुजफ्फरपुर कॉलेज में भी वहां प्रोफेसर पद पर कार्यरत थे और जब गांधी चंपारण सत्याग्रह के क्रम में पटना पहुंचे और पटना से मुजफ्फरपुर पहुंचे तो वहां जेबी कृपलानी ने इनका स्वागत किया था। तो जेबी कृपलानी से इनका परिचय बहुत पहले से था।
लेकिन गांधी के न चाहते हुए भी दोनों ने विवाह करने का निर्णय लिया और 1936 में दोनों जो है विवाह के परिणय सूत्र में बंध गए। इसके बाद इनका सफर राजनीति में आगे भी जारी रहा। कृपलानी कांग्रेस के साथ जुड़े रहे और उन्हीं के सहयोग से सुचिता कृपलानी भी कांग्रेस से जुड़ गई और दोनों ने उस समय की राजनीति में काफी बढ़ चढ़ करके भाग लेना शुरू किया। सुचिता कृपलानी इसके बाद जो है वह उस समय 1940 में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह से भी जुड़ी और व्यक्तिगत सत्याग्रह में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। इसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। इस भारत छोड़ो आंदोलन में कुछ महिलाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी और जिनमें दो नाम आप पहले के हमारे वीडियो में देख चुके होंगे, उसमें अरुणा आसफ अली, उषा मेहता जैसे महिलाओं के नाम महत्वपूर्ण है। तो उन्हीं के साथ मिलकर के इन्होंने भी भूमिगत होकर के और भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण सहयोग दिया और वह गिरफ्तारी से लगातार बचती रही और जो भूमिगत होकर के रेडियो कांग्रेस वगैरह का संचालन किया जा रहा था उसमें सुचिता कृपलानी की भी भूमिका महत्वपूर्ण थी। इसके बाद 1944 में यह गिरफ्तार कर ली गई। गिरफ्तारी के बाद फिर आगे चलकर के 1945 के समय में जो सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ा गया उसमें इन्हें भी रिहा कर दिया गया। इसके बाद 1946 में जो संविधान सभा का गठन हुआ उस संविधान सभा के जो मेंबर्स थे कुल 389 मेंबर जिसमें से 296 का चुनाव किया गया था, उस 296 मेंबर में 15 महिला मेंबर भी थी। उन 15 महिला मेंबरों में एक सुचिता कृपलानी भी थी। इन्होंने संविधान के निर्माण में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कई सारे मुद्दों पर और खास करके महिलाओं के मुद्दे पर संविधान सभा में इन्होंने काफी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किए और महिलाओं के अधिकारों को वहां जगह दिलाने में इनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही। इसके बाद जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ तो उस दिन जो वंदे मातरम गीत गाया गया तो उस वंदे मातरम के गीत के गायन का प्रचारण इन्होंने ही किया। उन्होंने उस समय वंदे मातरम गीत को पहले मंच पर गाया और फिर साथ में सारे सहयोगी जो थे वह इसको पुनर्पाठ के रूप में किया और रात्रि में आप जानते हैं 12 बजे जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने उन्होंने पूरा अपना ऐतिहासिक स्पीच दिया, ऐतिहासिक भाषण दिया। इसके बाद यह कांग्रेस के महासचिव भी रहे लेकिन जेबी कृपलानी जब हमारा देश आजाद हो रहा था जिनके पति थे वह उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे लेकिन आगे चलकर के जेबी कृपलानी का कांग्रेस से जो है कुछ मुद्दों को लेकर के टकराव हुआ और फिर वह कांग्रेस से विमुख हो गए और बाद में इन्होंने कांग्रेस से अलग होकर के कृषक मजदूर पार्टी बनाया, किसान मजदूर पार्टी, और आगे चलकर के फिर राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर के प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भी बनाया। लेकिन जो सुचिता कृपलानी थी वह कांग्रेस से ही जुड़ी रही और ये कांग्रेस के लगातार महासचिव रही उस समय लगभग 1948 से लेकर के और 1960 तक 1948 से 1960 तक यह कांग्रेस की महासचिव है। इसके अलावा वह 1952 और 1958 में जो है संसद की सदस्य भी बनी। उन्होंने दिल्ली से संसद का चुनाव लड़ा और वहां से जीत करके और वह संसद में पहुंची। तो उस समय जो महिलाओं की संसद में भागीदारी थी पार्लियामेंट में उसमें कुछ गिने चुने महिलाओं का ही नाम था और उसमें एक थी सुचेता कृपलानी। यह लोकसभा के द्वितीय कार्यकाल में जब दूसरा सरकार का गठन हुआ तो उसमें यह लघु उद्योग मंत्री भी रहे राज्य मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया। इसके बाद 1963 में जब उत्तर प्रदेश में वहां कांग्रेस में कई सारे उठा पटक चल रहे थे वहां नेतृत्व की तलाश चल रही थी और वहां जो उसमें कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे उन्हें हटाने का प्रयास किया जा रहा था तो उसमें नए नेतृत्व की तलाश हो रही थी और वह नया तलाश पूरा हुआ सुचिता कृपलानी के रूप में। सुचिता कृपलानी 1963 में उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी और उस समय वह केवल उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी बल्कि वह पूरे भारत की
पहली महिला मुख्यमंत्री थी। 1963 से लेकर के 1967 तक, 1967 तक वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। इसके साथ साथ आगे चलकर के जब 67 में यह मुख्यमंत्री पद से हटी तो फिर इन्होंने संसद का चुनाव लड़ा, चौथी लोकसभा का, और उसमें पुनः वह चुनाव जीत करके गोंडा से संसद पहुंची। लेकिन 1971 में इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया और इसके बाद 1 दिसंबर 1974 को इनकी मृत्यु हो गई। इनके बारे में कहा जाता है कि एक समय में यह अपने साथ साइनाइड की गोली भी लेकर चला करती थी। जब 1946 में मुस्लिम लीग के कई सारे प्रस्तावों को ब्रिटिश अधिकारियों ने एक्सेप्ट नहीं किया, कैबिनेट मिशन ने उनके जो है कुछ मांगों को अस्वीकार कर दिया, तो उन्होंने सीधी कार्रवाई दिवस अगस्त 1946 में शुरू किया और उसके कारण बंगाल और बिहार के कई सारे क्षेत्रों में जो सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, उसमें महात्मा गांधी केंद्र की राजनीति छोड़ करके, दिल्ली छोड़ करके वह नोआखाली और बंगाल के कई सारे क्षेत्रों का दौरा किया और वहां सांप्रदायिक तनाव को कम करने का प्रयास किया। उसमें महात्मा गांधी के सहयोगी के रूप में सुचेता कृपलानी भी उनके साथ नोआखाली और अन्य क्षेत्रों का दौरा करती रही, लेकिन उन्हें बार बार यह भय सताता था कि इस दंगे के दौरान कहीं कोई अनहोनी घटना ना हो जाए, क्योंकि उसमें महिलाओं के साथ बलात्कार और अन्य कई सारी ऐसी घटनाएं हो रही थी। तो उससे बचने के लिए यह अपने पास साइनाइड की गोली रखती थी कि अगर कहीं मेरे साथ भी कुछ इस दौरान अनहोनी घटना हो जाए तो उससे बचने के लिए मैं अपने शरीर का त्याग कर सकूं, मैं अपने जीवन का बलिदान कर सकूं। तो यह था सुचेता कृपलानी का जीवन परिचय। यह एक निडर, प्रखर, उस समय की महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी और एक सच्ची और निष्ठावान राजनीतिक कार्यकर्ता थी। जैसा कि पति जो है वह अलग कांग्रेस से होकर के उन्होंने नया अपना संगठन खड़ा किया, लेकिन यह कांग्रेस के साथ ही जुड़ी रही और इनका दाम्पत्य जीवन जो है वह अंतिम समय तक बना रहा। लेकिन कोई संतान नहीं होने के कारण अपनी मृत्यु के बाद अपनी सारी संपत्ति इन्होंने एक संस्था को दान कर दी जो देश के उत्थान के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए कार्य करती थी। तो यह था उस समय के जुझारू और प्रखर व्यक्तित्व की धनी सुचेता कृपलानी। तो आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम इसी तरह के नए शख्सियतों के साथ आपका परिचय कराते रहे। तो इसी के साथ आज हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।